गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम पिछले एपिसोड में गए थे डायमंड्स माइन करने और हमारे पास इनफ डायमंड्स हो गए थे कि हम एक आर्बर बना सके डायमंड का पूरा फुल। तो आज हम बनाएंगे अपना फुल डायमंड आर्मर। देखो बाहर मेरे रखवाले घूम रहे हैं और पता नहीं इसमें क्या हुआ है इशू मेरे गेम में, मेरे जितने भी सारी कैट्स सब रेड कलर में हो गए। देखो वो कोने में दिख रही है, सबके सब रेड कलर में हो गए। ये देखो नीचे, ये वो स्केलेटन भाई क्या कर रहा है, इतने सारे डॉगी घूम रहे हैं, देखो डर नहीं लग रहा? और भाई तीन तीन है साथ, इनकी बैंड बजानी पड़ेगी मेरे को। अरे मेरे डॉगी क्या कर रहे हैं यार, फिर सब मैं ही करूँगा। चलो एनीवेज वो अपने आप जल जाएंगे, या तो मेरी डॉगी इसकी नज़र गई तो मार देंगे वो। मैंने अपने थोड़े घर को भी चेंजेस करे हैं, ये टाइल्स बदली है। अभी इस जगह की पूरी नहीं हुई है, लेकिन नीचे वाली जगह की पूरी टाइल्स बदल चुकी है ना, अच्छी लग रही है ना, क्योंकि नीचे डर्ट डर्ट ना मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने और चेंज करे हैं, मेरे घर में स्टोरेज रूम बना चुका हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत मैस हो रहा था। ये देखो मैंने सब स्टोरेज कर दिया है, जैसे कि ये जो नीचे हैं इसमें सब कंस्ट्रक्शन वाले जैसे कि पत्थर सब, इसमें जो है कॉमन चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है। बताता हूँ, देखो वूल मिल जाता है आसानी से, अंडे, फिर ये ब्राउन वूल, चेस्ट रखी है एक, फिर यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ भी नहीं रखा। और हाँ ये देखो मेरे जितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो सब मैंने ये फ्रेम में लगा रखी है। आपको एक बार बता देता हूँ इसको हटाओ। अरे ये मेरे को ना एक जगह थी टूटी फूटी जहाँ पर नेदर पोर्टल था आधा बना हुआ, वहाँ से मिली थी ये। लूटिंग 3 और शार्पनेस 4 भाई बहुत अच्छी है ये। लेकिन ये ना जो डायमंड ये गोल्डन की है, सॉरी डायमंड नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और उसका शायद अटैक डैमेज भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने अभी इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करा। और ये शायद अपनी वो नॉर्मल वाली है जो अपने खुद की है, जो अपन ने खुद ने बनाई है, देखते हैं। हाँ ये वही है शायद, हाँ ये वही है, देखो आप इसको जानते ही हो। और ये जो मैंने ये हाथ में पकड़ रखी शार्पनेस 2, ये मैंने ट्रेडिंग करके लिए एक से विलेजर। और ये आप जानती हो मेरा पिकैक्स, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। ये क्रॉसबो भी मैंने इस पर क्या लगाया था, मल्टी शॉट लगाया था शायद, नहीं पियर्सिंग वाली, ये तो मेरे को विलेजर से मिला था। क्रॉसबो मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, उसमें दो दो बार एम करना पड़ता है तब जाके होता। और ये देखो बेस्ट थिंग यार, मेरे को लगा कि ये फालतू की चीज़ें मेरे को वाटर ज़ॉम्बी से मिली थी, लेकिन इसके ऊपर जब मैंने एन्चेंटमेंट्स लगाई ना ये शानदार हो गई। बताता हूँ मैं, आजा। अरे भाई देखो इम्पेलिंग 4, अनब्रेकिंग मेरे को 3 चाहिए थी और मैंने एक विलेजर से ट्रेडिंग करके ले ली, लेकिन अभी मेरे पास ना एक्सपी की कमी पड़ गई थी। देख लो अब मेरे पास 44 एक्सपी है, बहुत एन्चेंटमेंट्स करेंगे आज के। तो मेरे पास चैनलिंग 1 है, लॉयल्टी 3 है। ये देखो मैंने ये मारी, ये मारा और ये वापस आ गया। अरे बहुत फर्स्ट क्लास है यार, मुझे सबसे अच्छा लगा ये, ख़त्म ही नहीं होगा ये कभी। अनब्रेकिंग 3 लगा देंगे ना इस पर। यहाँ पर अपनी फेवरेट बो जो बहुत काम की भाई, ये बेंडिंग वाली है कि इन्फिनिटी वाली है? ये है इन्फिनिटी वाली, हाँ यार इसको संभाल के रखना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना डायमंड भी कैसे है, इस पर एन्चेंटमेंट्स नहीं लगी है, और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें ही आप देख सकते हो। तो अब है अपना मेन जलवा, हमारे सारे डायमंड्स। इसमें नहीं है यार, मेरे डायमंड्स कहाँ गए सारे? 27 थे शायद तक, मेरे को याद है। अरे भाई ये नहीं खोलना, डायमंड्स ये रहे, यस। ये क्या है, इसको भी रिपेयरिंग कर लेंगे रे, आयरन बूट से ये अभी बाद में, क्योंकि इनके ये फ्रोस्ट वॉकर लगाया ना तो फसल के पास जाता हूँ मेरी तो सब वो सूख जाते हैं पानी। तो अब है वो समय जब हम अपना डायमंड का, यस आर्मर। सबसे पहले हेलमेट बन गया, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, और क्या बचा, और जूते, यस हैं। अच्छा 3 ही डायमंड्स बचे मेरे पास, मतलब एक स्वॉर्ड बना सकता हूँ। रुक जाओ एक स्वॉर्ड के लिए थोड़े से स्टिक्स ले आऊँ, क्योंकि मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है।
स्टिक्स कहाँ है? स्टिक्स मिलती नहीं है काम की चीज़ टाइम पर। अरे भाई मिल जाए यार। अरे छोड़ो, नीचे वाले से नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ फालतू फालतू सामान है जो आसानी से मिल जाता है। अरे भाई स्टिक्स कहाँ गई मेरी? लकड़ी की टुकड़ी भी नहीं है क्या मेरे पास? डायमंड की स्वॉर्ड के लिए स्टिक्स ही नहीं है बोलो। अबे चलो छोड़ो, हमारे पास बहुत सारे प्लैंक्स हैं। स्टिक्स नहीं तो क्या अपन कुछ बनाएंगे नहीं? इसमें क्या था? सच में स्टिक्स नहीं रहे? चलो छोड़ो, ये रहे प्लैंक्स, स्टिक्स बना लेते हैं अपन। प्लैंक्स कहाँ गए? ये से, ये से, ये से। और अब अपन अपनी स्वॉर्ड रेडी है। स्वॉर्ड बनाऊँ कि एक्स बनाऊँ? मैं तो एक्स बना रहा हूँ भाई, बहुत काम आती है एक्स। माना है सारे डायमंड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखो इसका 7 अटैक डैमेज है और इसका 6 है। नहीं भाई स्वॉर्ड अच्छी है फिर तो। मैंने सुना था कि वो उसका 7 होता है और उसका 8 होता है। तो अब हम अपना आर्मर पहन के चमक दमक कर लेते हैं। लेकिन एक सेकेंड, एक काम करते हैं, अपने पास इनफ वो है यार, एक्सपी बहुत है अपने पास और लैपिस लजुली की कमी पड़ती है नहीं। तो एक काम करते हैं, अपन इसको एनचेंट भी कर ही लेते हैं। यस, हेलमेट पे क्या है? एन्चेंटमेंट, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन, थॉर्न्स 1। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन। अरे यस, इस पे क्या है? अनब्रेकिंग 3। वाह, और ये अनब्रेकिंग 3 कैसे आई? अरे यार इस पे भी वही है, चलो ले लेते हैं। इस पे भी अनब्रेकिंग 3। यस, अब ये टूटेंगे ही नहीं कभी। ओ वाह यस, बहुत अच्छा है ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन। लेकिन फेदर फॉलिंग भी अच्छी है यार, मेरे पास एक फेदर फॉलिंग की बुक रखी होनी चाहिए। अरे यार इस पे सिर्फ यही मिला, सैड। इस पर अच्छी होनी चाहिए, 1 2 3, प्रोटेक्शन 3। यस बेस्ट है यार आर्मर के लिए, चेस्ट प्लेट के लिए। सॉरी एक सेकेंड। इम्प्रेसिव। ओ शिट यार, मैं पागल ही हूँ यार। शिट यार, गलती से मैंने वो वाला बटन दबा दिया, सब बुड़ बुड़ हो इम्प्रेसिव। गया यार। पूरी वीडियो खराब हो गई मेरे सब। शेट, अब लगे हाथ अपन शॉर्ट को भी कर ही लेते हैं। लूटिंग 2, फायर एस्पेक्ट और शार्पनेस 1। लूटिंग 2 करेंगे, साथ में कुछ मिल जाएगा भी तो। लॉक बैग तो भी मिल गया, अच्छी बात है। अबे यार पूरा मूड खराब हो गया मेरा। चेस्ट प्लेस बेस्ट होती है भाई, बहुत प्रोटेक्ट करती है वो अपन को। चलो कोई नहीं, ये लगा लिया, ये लगा लिया, ये लगा लिया और ये लगा लिया। ये और हाथ में अपने डायमंड की सॉर्ड। अब देखते हैं हम कैसे दिख रहे हैं। चलो कम से कम अपन ने डायमंड आर्मर बना के उसको एनचेंट तो करा। वाह, अपना हीरो है ये तो। अरे हाथ में ये होने चाहिए, एंडर ड्रैगन हमारे हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अच्छे लग रहे हैं यार, अच्छा है। लेकिन वही है कि ना, कि अपन को ब्लास्ट प्रोटेक्शन नहीं मिला। मेरे पास उसकी एक बुक भी नहीं रखी कोई सी, फर्स्ट पर्सन। वैसे मैंने ऑफलाइन जब खेला ना, तो बहुत बुक्स बना के रखी है, देखो आपको बताता हूँ। और मैंने एक भी क्रिएटिव से नहीं लिए है, मैंने कुछ ट्रेडिंग से करके लिए और कुछ बनाई है मैंने खुद से। ये देखो मैंने कुछ भी नहीं करा है ना क्रिएटिव से। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। स्वॉर्ड पे और क्या अच्छा लगेगा? एक काम करते हैं अपन, अपना वो भी एन्चेंट कर लेते हैं, अपना पिकेक्स डायमंड वाली। अब एक्सपी है अपने पास तो, बार बार थोड़ी करने को मिलेगी। डायमंड पिकेक्स पे अच्छा आना चाहिए यार। अनब्रेकिंग 3, लैपिस लजुली 3, लैपिस लजुली।
अरे यार मेरे को ना सिल्क टच चाहिए थी, क्योंकि देखो फॉर्चून 3 वाली तो है अपने पास, सिल्क टच वाली एक भी नहीं है। Impressive. ओ यस भाई यार, बेस्ट यार, सच में बेस्ट भाई। 30 लेवल वाली एन्चेंटमेंट्स बेस्ट रहती, एफिशिएंसी 3 और फॉर्चून। और कहाँ गई? अरे भाई फेंक मत इसको, ये जन्नत है। और फॉर्चून 2, फॉर्चून 3 की मेरी बुक रखी है क्या? मुश्किल होगी यार मेरे पास, शायद ही है। अरे यार ये फेंक क्यों रहा है? रुक जाओ, मेरे पास ना एक अनब्रेकिंग 3 वाली बुक है, उसको अपन, हाँ यारी अपन अपने ये ट्राइडेंट पे लगा लेते हैं। आ जा भाई ट्राइडेंट, ज़्यादा एक्सपी मत लेना यार, मेरे को और एक एन्चेंटमेंट्स करनी है। लेकिन फिर भी बहुत एक्सपी लेगा ये। 9, मेरे पास कितनी है? 28। अरे It's over 9,000. चलो अनब्रेकिंग 3, इस पे क्या होगा फिर? इम्पेलिंग 4, अनब्रेकिंग 3, चैनलिंग 1। ठीक है बढ़िया, अपना ट्राइडेंट और अच्छा हो गया। ट्राइडेंट तू वहीं जा। हाँ और क्या करना है अब हमको आज? अरे 12 मिनट की हो भी गई क्या? अनब्रेकिंग 2, प्रोटेक्शन 1, प्रोटेक्शन 1 है मेरे पास, स्माइट 1, फायर प्रोटेक्शन 3। अरे ये है ना यार, ये बहुत एक्सपी ले लेगा शायद। वो था ब्लास्ट प्रोटेक्शन और ये है फायर प्रोटेक्शन, देखते कितने एक्सपी। 8 यार, ये तो लूट मचा रखी है इनने। अरे इसको ब्लास्ट प्रोटेक्शन तो आ ही नहीं रहा है, फायर प्रोटेक्शन तो इसको करना ही नहीं है अपन को। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 2 है, एक्वा इन्फिनिट प्रोटेक्शन 2, थॉर्न्स 1, बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स है, पियर्सिंग 2। अरे 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 ये है ना बढ़िया चीज़। नहीं यार इस पर, हाँ इस पर स्माइट 4 है यार, स्वॉर्ड अच्छी करेंगे अपन। स्माइट 4 चाहिए मेरे को, स्माइट 4 है ना इस पर, स्माइट 4, लूटिंग 2, नॉक बैक 2, बढ़िया। अब अगर हमको फायर एस्पेक्ट भी मिल जाए तो वो भी लगा लेंगे स्वॉर्ड पे, तो स्वॉर्ड तो अपनी बहुत बढ़िया हो जाएगी फिर। फायर, ओ लूटिंग 3 है और इस पर क्या लगी है? लूटिंग 2। अरे यार चलो ठीक है, ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई क्या है ये कर्स ऑफ वैनिशिंग डेथ स्ट्राइडर, नहीं पता। नहीं इस पे क्या है? फायर एस्पेक्ट है। अरे यार नहीं, शार्पनेस, फायर प्रोटेक्शन, बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। ओ ये क्या है? नहीं ये तो इसमें तो फ्लेम है। शार्पनेस, शार्पनेस लगा ले क्या? शार्पनेस वाली कहाँ गई? ये रही, शार्पनेस लगा लेते हैं। एक सेकंड, शार्पनेस की और ज़्यादा लेवल वाली चाहिए यार मेरे को, 2 या फिर 3। मेरे पास शार्पनेस 2 की बुक भी नहीं होगी। शार्पनेस, शार्पनेस नहीं है, सैड। नहीं है, नहीं है। अरे यार मेरे को मिल जाए प्लीज़ शार्पनेस की, 2 भी मिल जाएगी ना तो सही रहेगा। प्रोटेक्शन, शार्पनेस 1, स्माइट 1। अरे यार चलो छोड़ो, अपन शार्पनेस 1 ही लगा लेंगे। हैं ये लग क्यों नहीं रही है? शार्पनेस नहीं लग सकती क्या? अरे यार निकला के लग सकती होगी। चलो ठीक है, अब अपन कौन सा आर्मर पहन के खेलेंगे, डायमंड का कि अपना ये वाला? डायमंड का अभी नहीं पहनना है, डायमंड डायमंड को अभी संभाल के रखेंगे, क्योंकि अच्छी एन्चेंटमेंट्स है इस पर। बस ये ना पूरी चेस्ट प्लेट ने सब बिगाड़ दिया, यही पहन ले अपन, पहन ले भाई।
आर्मर वाला कहाँ है मेरा? देखो मैंने सब अलग अलग कर दिया, इसमें से आर्मर मिलेंगे आपको। ये देखो मेरे को इतनी बढ़िया लूट मिली थी, अनब्रेकिंग 2 और फेदर फॉलिंग और फायर प्रोटेक्शन 3। लेकिन ये बात है कि ये गोल्ड का है ना, ये देखो यहाँ पर थॉर्न्स 1। गोल्ड का नहीं होता तो अपन ले लेते हैं, गोल्ड बहुत बेकार है, बस वो नेदर में अच्छा काम आता है गोल्ड। वाह यार अपनी कितनी बढ़िया सॉर्ड हो गई। हाँ मैंने देखा था एक अपना विलेजर बहुत अच्छी चीज़ दे रहा था, अच्छी बुक दे रहा था, मेरे को नाम भूल गया, लेकिन बहुत एमरल्ड्स ले रहा था यार वो। एमरल्ड्स की कमी नहीं है, मैंने बहुत ट्रेडिंग करी हुई है। ये देखो 20 यहाँ रखे हैं, ठीक है। साथ में उसको एक बुक चाहिए रहेगी शायद, बुक कहाँ है बुक, ठीक है अभी तो रात हो रही है फिलहाल, सो जाओ। सुबह हो गई यार, लेकिन बाहर ना मेरे को क्रीपर नहीं दिखना चाहिए, सब खेती बाड़ी फोड़ देगा वो। उसने ना मेरा घर फोड़ दिया था, रिकॉर्ड नहीं कर रहा था लेकिन मैं उस समय, इसलिए मेरे को दिखा नहीं पाया। आयरन भैया क्या कर रहे हो तुम यार? ओ कहाँ चल रहा है ओ भाई? मेरा घर है वो। हाँ यार चढ़े जा रहा है। और शिट शिट यार शिट 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 शिट, क्या फोड़ा क्या फोड़ा इसने? कहाँ था कहाँ तू? मेरे को तो नहीं, ओले मेरी सब खेती बाड़ी फोड़ फाड़ दी यार, मैंने इसलिए बोला था। वो रहा एक और क्रीपर, शिट यार सब खराब हो गया। चलो इसको तो मैं बाद में सही करूँगा, फिलहाल तो मुझको वो ट्रेडिंग करने जाना है। ये क्रीपर क्यों है यार इस गेम में, सब फोड़ देता है। अब मेरे को सिर्फ सीधे घर जाना है। इतनी सारी बिल्लियाँ घूम रही है फिर भी उसको डर नहीं है किसी का। पानी में मत गिर जाना तू यार। अबे यार क्या नौटंकी है इतनी। पहले ही तो मेरे को वो चेस्ट प्लेट के वजह से ना पूरा खराब हो गया गेम मेरा। चल बे जल्दी मेरे को दे। बाहर कौन गया? कौन दे रहा था? ये टेढ़ी मुंडी क्यों कर रखी है तूने? अरे यार एक तो मेरे को पता भी नहीं है ना कौन देता है। हाँ 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 लाइब्रेरियन कहाँ है? लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन ये रहा। हाँ यही देगा शायद। भाई तू दे रहा है ना, जल्दी दे। इतना क्यों लैग होता है यार? ये है क्या? कौन सी फायर प्रोटेक्शन 3? नहीं 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 चाहिए। और ये फ्रोस्ट वॉकर 2? नहीं भाई वो ये वाला नहीं था, मेरे को दूसरा वाला चाहिए जो अच्छी चीज़ दे रहा था। तू है क्या? वो ना 51 एमरल्ड्स दे रहा था शायद। अरे यार ये क्या है? इन्फिनिटी, वाओ तू यहीं रह भाई। अरे यार वो वाला कहाँ गया? वो है क्या दो दो वहां पर? भाई एक ना एक तो होना ही चाहिए, बता भाई तू क्या है? ये कोई काम का ही नहीं है। अरे कहाँ है एक और? एक तो इतने सारे हो चुके हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये दो है ना, ये मुंडी टेढ़ी करके देख रहे हो तुम, कुछ काम का दे दो भाई। तू है क्या? नहीं यार टाइम पे मिलता ही नहीं है कुछ। भाई जल्दी दो यार मुझको। उस फ्रेंड्स वो तो नहीं मिला लेकिन ये वाला अच्छा है भाई। देखो ना सिल्क टच दे रहा था, अपन ढूंढ रहे थे इसको ही। ट्रेडिंग कर ले क्योंकि 18 एमराल्ड से ले रहा है ये ट्रेड। आ गई ना सिल्क टच, ठीक है बढ़िया। लेकिन यार मेरे को वो वाला वो चाहिए यार, वो बहुत अच्छी चीज़ दे रहा था, शायद तक इम्पेलिंग 5 दे रहा था वो। भाई तू ही है ना? प्लीज प्लीज। अबे यार कोई काम का नहीं है, सब बेकार है, टाइम पे मिलता नहीं है कुछ। इतने इतने सारे विलेजर हो चुके, बाप रे इतने तो थे भी नहीं। कहाँ से आए तुम? ये आर्मर, चलो छोड़ आर्मर नहीं।
जी भाई, गोल्ड का वो डायमंड का है अपने पास। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। और हमको आर्मर बनाना था, बना लिया हमने आर्मर, और मैं गोल्ड का भी बना लूँगा ऑफलाइन खेल के, क्योंकि गोल्ड का बस सजाने के लिए बनाऊँगा मैं और नेदर के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।